तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ वृद्ध जागेश्वर को, तो यहाँ पर से 2 किलोमीटर है अब। तो फ्रेंड्स ये रहा हेलीपैड। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं अभी वृद्ध जागेश्वर। दोस्तों ये है वृद्ध जागेश्वर का मेन एंट्री गेट। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स उठ चुके हैं, अब यह है कि तैयार होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ को जाते हैं आज। अभी मैंने रोहित से पूछा, मैंने कहाँ जा रहे हैं करेंगे, कहा कह रहा अभी कोई पता नहीं है, बल चलते चलते कहाँ चले जाएं ये कोई पता नहीं है करेंगे। मैंने कहा चल ठीक है फिर, मैंने कहा तैयार होते हैं फिर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बाहर रोड पर और जोनार पर रुके थे हम। तो ये है होटल जोनार। पहले गाड़ी घुमा ले यार, फिर देखते रहना फोन बस। तो फ्रेंड्स अब निकलता हूँ, ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं, बने रहना वीडियो में। तो फ्रेंड्स ऐसी ही हसीन वादियों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको उत्तराखंड के दर्शन करने हैं, उत्तराखंड घूमना है, तो मैं अपने YouTube चैनल योगेश त्रिपाठी यूवे के द्वारा आपको यहाँ की सुंदर सुंदर वादियाँ दिखाता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम हैं पिथौरागढ़ की हसीन वादियों पर। तो फ्रेंड्स मेरी अच्छी से ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाऊं, और देखिए मैं जाते रहता हूं, घूमते रहता हूं। तो अभी सामने का आप नज़ारा देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि समंदर होगा। तो काफ़ी कोहरा भी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं अभी कांडा, और यह है कि सुबह से चाय भी नहीं पी रखी है, तो हमने सोचा यार एक लेमन टी पी ली जाए, फिर उसके बाद धनिया में खाए जाएंगे पराठे। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंचे हैं कांटा नॉलर से थोड़ा सा आगे, तो वहां पर हमारे भाई साहब हैं, क्या नाम है तुम्हारा? कैलाश राम। कैलाश राम जी की ये दुकान है, ये बेम्बो के ये सारे आइटम बनाते हैं। इसमें हॉट केस भी आपको मिल जाएगा और सब फैंसी आइटम है। ये लाइट, ठीक है, ये लैम्प शेड हो गया, ठीक है, और भी दिखाता हूँ। देखिए ये है लैम्प, ये तो वह है पैकिंग बॉक्स, ठीक है, ये ऊपर ये घोंसला है, बाकी ये भी सब वही हैं, बाकी हॉट केस लगा रखे इन्होंने, छोटी छोटी डलियाएं भी हैं। ये है मंदिर अंदर जाने के लिए, इसमें फूल रख लिया आपने, और ये हुड़का भी, हुड़का तो बोलते हैं इसे, ये हुड़का भी है, ये और ये ठेकी है। ये कौन सी लकड़ी की है ठेकी? ये सानन। अच्छा अच्छा, क्या ये इनका इनका प्राइस क्या है? ये 1500 की है, ये 1300 की है, ये 900 की है। 1500, 1300, 900, 1200। बाकी आप देख रहे होंगे डाले हैं, और ये हमारा हुड़का हुड़का बजा रहा है। बेटा हर चीज़ का तरीका होता है, ऐसी नहीं होता है वो, है ना, भम 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 मार दिया। ये कैंप के लिए सही है अपना, जो इस टाइप के शौकीन होते हैं उन्होंने, लो भाई साहब। जी अरे दीवानी लौंडा दरी हटे का तिल धरो वाला, ओहो दीवानी लौंडा दरी हटे का तिल धरो वाला। तो एक काम करे, इसको रख लेते हैं, देखिए इसकी बुनाई में मजा नहीं आया यार। अभी ये बना नहीं रखा सर, वैसे मतलब ये इसमें बकरी के लगते हैं। हाँ 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 हाँ, तो बुनाई इसकी बढ़िया बन जाएगी तो और भी अच्छी आवाज आएगी। अच्छा फिलहाल ऐसे ये क्योंकि जब तक टैंट नहीं करोगे ना यार कैसे होगा वो। तो फ्रेंड्स ऐसा है, थोड़ा बहुत शॉपिंग हम भी कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या ले जाते हैं। ये आप बज रहा देख, हैं बजा
चलो कोई नहीं, अभी ऐसा है ये तो भाई, ये लो भैया ये खरीद लिए गए हैं हॉट केस फ्रेंड्स, ऐसा है बेम्बो के हॉट केस ले लिए हैं, अब हम निकल रहे हैं सीधे धनिया, भूख भी लग रही है यार बहुत तेज। ठीक है तो ये आगे सब पराठे आलू के, ये हमारे भाई का पराठे खाने का स्टाइल है, आप देख रहे होंगे पराठा जो है पूरी सब्जी में मैश कर दिया है। अब ये कौन सी वाली, राजस्थानी, राजस्थानी लोग खाते हैं ऐसे, कौन खाते हैं? बंगाली। तो इसमें छोले चने रायता चटनी, चटनी बड़ी टेस्टी हो रही है वैसे, तो ये ऐसे खा रहा है, मैं तो ना खाऊं यार ऐसे। तो फ्रेंड्स ऐसा है नाश्ता हो गया फुल, नाश्ता का इसको खाना ही कहूँगा मैं, और निकलते हैं घर को। घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी हम? अभी कुछ नहीं कहते, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं अभी जो हूँ ये धौला देवी के जंगल, देवदार के जंगल में के बीच में हूँ, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर का मौसम है, आप देख रहे होंगे मस्त, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सब देवदार का जंगल है पूरा। ये नज़ारा है अभी हमारे उत्तराखंड में धौला देवी का। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अभी वृद्ध जागेश्वर, और ये सामने का नज़ारा है, और हिमालय देख रहे होंगे आप, लेकिन बहुत प्यारा नज़ारा है, चलो वहीं से दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ वृद्ध जागेश्वर को, तो यहाँ पर से 2 किलोमीटर है अब वृद्ध जागेश्वर, लेकिन उसके सामने का जो ये सीन है मज़ा आ गया, मैंने ज़रा गाड़ी रोक करके थोड़ा सा इसका पूरा वीडियो बना लूँ। ये हिमालय के दर्शन यहाँ से इतने प्यारे दर्शन होते हैं, ये देखिए क्या नज़ारा है यार, मज़ा आ गया गुरु। ये है हमारा उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड की शान, त्रिशूल भी दिख रहा है, नंदा देवी भी दिख रहा है, ये पंचाचूली भी दिख रहा है यहाँ से, आप कुछ तो मेरे को नाम भी पता नहीं है, तो यहाँ से पूरी रेंज दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जो हूँ सौख्या थल पे हूँ, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे उत्तराखंड में, तो जागेश्वर धाम भी पहुँचे थे वो, तो यहीं पर ही उतरे थे। ठीक है ये है सौख्या थल का इंटर कॉलेज, काफ़ी सुंदर है, तो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है तो फ्रेंड्स ये रहा हेलीपैड, जहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे यहीं पर लैंडिंग हुई थी उनकी, और उसके बगल में है यहीं पर इंटर कॉलेज है, एक्चुअली वहाँ पढ़ाई चल रही है, तो मेरा ज़रा कैमरा ले जाना ज़रा अच्छा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ का दृश्य है, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मौसम भी बड़ा काफ़ी अच्छा खुला हुआ है, तो स्कूल तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। ठीक है अब चल रहा हूँ आगे, आगे दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं अभी वृद्ध जागेश्वर, मैं तो मंदिर के अंदर जाऊंगा नहीं, मेरा ही नाम राशि है योगेश त्रिपाठी, यूके मेरा चैनल है, ये भी योगेश भाई हैं, तो ये यहाँ पर पुजारी हैं, तो ये अंदर जाएंगे आपको बताएंगे क्या क्या है और कैसा कैसा है। ठीक है यही जाएंगे अंदर, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों ये है जागेश्वर का मेन एंट्री, जो गेट द्वार होता है मंदिर का, तो सबसे पहले आपको हम दर्शन कराते हैं नंदी जी के, ये है नंदी जी सबसे पहले, और उसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी, पौराणिक मंदिर है 1400 साल पहले का बताया जाता है, ये है जो मेन शिवलिंग है, ये है, और ये इसके साथ जो
उस समय पे सालिग्राम निकले थे वो हैं, और ये अखंड ज्योत जो 1400 सालों से जल रही है आज तक, और फिर मंदिर का अंदर का गर्भगृह है कुछ इस तरह का दिखता है। ये हैं यहाँ के मुख्य पुजारी चंद्रवल्लभ भट्ट जी। ये प्राचीन नगाड़ा जो कि आरती में बजता है और उसी टाइम का है, 1400 साल पुराना। यह है बाहर का कुछ दृश्य। तो फ्रेंड्स, मैं अभी ऐसी जगह पर हूँ कि जहाँ पर यह है कि यहाँ से पैदल पिंडारी ग्लेशियर को, जब रोडें नहीं थी, अब तो जगह जगह रोडें पहुँच गई हैं, तो खाती गाँव गया था मैं। तो ये है कि यहाँ पहले बस मुख्य जो रास्ता था पिंडारी ग्लेशियर को जाने का, वो वृद्ध जागेश्वर से ही था। वो अब तो जगह जगह रोडें हो गई हैं, लेकिन यहाँ से सामने का जो नज़ारा है हिमालय का, पहले वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये नज़ारा है साहब वृद्ध जागेश्वर से हिमालय का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी बर्फ तो पड़ी नहीं है, अगर बर्फ पड़े तो फिर तो और मजा आ जाए। चलो जब बर्फ पड़ेगी फिर दिखाएंगे आपको। चले फिर हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपने गृह क्षेत्र खैरना गर्म पानी में। तो अभी हम हैं भौरिया बैंड में। तो यही जर्नी रही हमारी। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं घर, थक गए हैं बहुत गाड़ी चला चला करके। मेरे से कह रहा था मैं चलाऊंगा कर ही कह रहा था, तो उसने तो चलाया नहीं। 3 दिन लगातार गाड़ी मैंने चलाई है, परसों जाते वक्त भी, फिर कल वहाँ से वहाँ और आज यहाँ से। तो कमर में है जो है दर्द होने लग गया है। अब टन से सोते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बताना यार, ठीक है। बाय बाय।